स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को आप सुनिएगा। इस कहानी का शीर्षक, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, तेल नहीं नमक बनो। तो इस कहानी को डिटेल में जानेंगे कि क्या है तेल और नमक का मतलब। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको सीधे कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक राजा होते हैं और उनकी जो प्रजा होती है बहुत सम्मान करती है। एक बार उनके मन में ऐसे ही आता है कि वो अपनी प्रजा के बारे में जानने की कोशिश करें, ये जाने कि उसकी प्रजा वाकई में उसको प्रेम करती है, वाकई में उसको चाहती है, या सिर्फ मात्र एक दिखावा है। ऐसा करने के लिए राजा अपनी प्रजा के बीच में वेश बदल कर घूमने निकलते हैं। अब कई जगहों पर लोगों से बात करते हैं, उनके प्रतिक्रियाएँ लेते हैं, उनके विचार लेते हैं, उनकी राय लेते हैं राजा के बारे में, और ये लगता है कि मैं एक अच्छा राजा नहीं हूँ, मैं जनता के दिलों में अपना स्थान नहीं बना पाया हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं, वो वहाँ से तो उस समय चले आते हैं अपने राजभवन, और अगले दिन वो सीधे जाते हैं एक महात्मा जी के पास। महात्मा जी से अपनी सारी बातें कहते हैं। तो महात्मा जी उनको समझाते हैं कि राजन, आपको तेल नहीं नमक बनना चाहिए। राजा नहीं समझ पाता है बात, तो फिर महात्मा जी से आग्रह करता है कि कृपया इसको आप और विस्तार रूप में समझाएं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि देखो राजन, अगर आप जल के ऊपर तेल को गिराओगे तो तेल छोटी छोटी बूंदों में विभक्त होकर फैल जाएगा, लेकिन अगर उसी जल पर नमक गिराया जाए तो नमक नीचे तक जाएगा और अपने आप को विलय कर लेगा, घुला देगा। आपकी जो प्रजा है वो आपके लिए जल के समान है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप तेल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बटे रहना चाहते हैं, सतही रूप में सिर्फ अपने आप को देखना चाहते हैं, या अपना व्यवहार ऐसा करें कि पूरी प्रजा के हृदयों में आपका स्थान बन जाए। राजा को वाकई एहसास होता है कि मैंने क्या गलतियां की। वो आता है अपने नगर में और उन सारी रणनीतियों को बनाता है, उन सारे नियम कानून को बनाता है जिससे उसकी प्रजा का हित हो सके, पालन अच्छा सा हो सके, और धीरे धीरे राजा जो है एक कुशल राजा के रूप में प्रख्यात हो जाता है। अब इस छोटी सी कहानी से हमको क्या समझ में आता है, देखिए हम अपने जीवन में, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से आते हों, हम डॉक्टर हों, टीचर हों, लॉयर हों, इंजीनियर हों, या स्टूडेंट ही क्यों ना हो, हम कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से जुड़ते हैं, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, हमें जीवन से इंटरेक्शन करना होता है। तो उस इंटरेक्शन के दौरान हम जब अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं या अपने विचार रखते हैं, तो कई बार हमारी बातों को अवॉइड कर दिया जाता है, कई बार हमारी बातों को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये आपके गुण पर निर्भर करता है कि आपने आपको अवॉइड करवाना चाहेंगे या अडॉप्ट करवाना चाहेंगे। वहाँ बात एक राजा की थी, लेकिन वह राजा हम सब के अंदर है, हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउट ऑफ अदर्स। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं और आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र की पराकाष्ठा तक आप जाएं, अगर आप उसकी उच्चतम सीमा तक जाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, उसकी जड़ों तक जाना होगा। जैसे आपने बैम्बू के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा आपने, बाँस को जब लगाया जाता है तो बाँस शुरुआती दिनों में बहुत ग्रोथ नहीं दिखाता है, 3 साल 4 साल 5 साल वो आपको दिखेगा ही नहीं कि इसमें कोई ग्रोथ हो रही है, लेकिन जब 5 साल के बाद वो बढ़ना शुरू करता है तो साल भर में, 2 साल में लगभग 10 से 20 फीट बढ़ जाता है और 40 से 50 फीट तक बढ़ता है कुछ ही सालों में। तो ये शुरुआती के जो 5 वर्ष देता है वो नीचे जड़ों को गहराई तक जाने देता है। तो आपको किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आपको उस क्षेत्र की गहराइयों तक जाना होगा, उसका सतही ज्ञान लेकर के आप कभी भी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कुछ भी पेशा हो। जब तक आप उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक आप उसकी असली मर्म को नहीं जान पाएंगे। और मेरा यकीन कीजिए, जिन लोगों ने इस विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, या नई ऊँचाइयाँ चढ़ी हैं, या नए इतिहास रचे हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ की गहराई को नापा है, खंगाला है, और वहाँ तक जाने का प्रयास किया है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद भी आपका नाम रहे,
तो आपको इतिहास में अमर होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बहुत ही रेयर होता है।